मैक्रोनी और स्पैगेटी दोनों उबलेंगे लेकिन देसी तड़के से बन गई है ये रेसिपी। मम्मा की रेसिपी है इसमें कि हमने अभी थोड़ा ऐड किया ये छोटे मिर्ची के अंदर ये लहसुन में कूट रही थी, लहसुन और अदरक का पेस्ट हमने ऐड कर देना है और ज़ीरा पहले ही ऐड कर दिया था मम्मा ने। फिर इसको हमने अच्छे से फ्राई होने देना है। फ्राई होने के बाद आगे हम अपनी सब्जियाँ और थोड़ी सी स्पाइसेस ऐड करेंगे और यहाँ पर ये बॉयल हो रहे थे और इस स्पैगेटी और जो मैक्रोनी थी ना इसमें मम्मा ने ऑयल और नमक डाल दिया हुआ था पहले से। इसमें मटर हमने ऐड किया, मटर ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे मटर को। फिर उसके बाद इसमें चिकन ऐड करेंगे, चिकन को भी फिर थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे। फिर उसके बाद बाकी इसमें सब्जियाँ ऐड करेंगे क्योंकि ये देसी तड़के से बन रही है इसलिए सिर्फ इसमें तीन जो मसाले होते हैं वो नहीं जाएंगे, नमक काली मिर्च वगैरह वो भी जाएंगी लेकिन और भी मसाले जाएंगे जो घर के होते, मतलब सारे घर के होते लेकिन देसी मसाले जाएंगे। जैसे सबसे पहले नमक ऐड किया, फिर हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर, फिर हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, फिर उसके बाद लाल मिर्च भी ऐड करेंगे। आई थिंक जिसमें लाल मिर्च मम्मा ने नहीं ऐड की थी, चिली फ्लेक्स इसमें ऐड किए थे मम्मा ने, चिली फ्लेक्स काफ़ी अच्छा टेस्ट होता है, लाल मिर्च जितना टेस्ट होता है वही हमने ऐड किया था। फिर इसके बाद मसालों को मिक्स कर देना है और हाँ चाइनीज सॉल्ट तो आप लोगों ने ज़रूर डाला। फिर हमने चिली सॉस इसमें ऐड की, अब हम इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस, विनीगर सबसे पहले और फिर सोया सॉस, तीन ही सॉसेज हैं और ये सॉस सारी हमने ऐड कर देनी है इसमें। फिर इसके बाद मिक्स करके थोड़ा सा फ्राई करके फिर इसमें सब्जियाँ ऐड होंगी। थोड़ा सा मसालों को चिकन के साथ भून देंगे, भूनने के बाद ये देखिए थोड़े से बुलबुले से आने लग गया, ढक देंगे। फिर इसमें हम गाजरें ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे, फिर बंद गोभी हम इसमें ऐड कर देंगे। बंद गोभी ऐड करने के बाद फिर बंद गोभी को भी मिक्स कर देंगे, नहीं मिक्स नहीं करेंगे, सबसे पहले इसमें शिमला मिर्च, हाँ बंद गोभी और शिमला मिर्च दोनों ऐड किया। मिक्स करने के बाद ढक्कन दे देंगे, थोड़ा सा फ्राई हो जाए। यहाँ पर चिली गार्लिक सॉस और जो टमाटो सॉस है दोनों डाल दी थी और फिर इसके बाद ये बनने के बाद इसमें हमने वो केचप डाल दी जो सॉस हमने तैयार की थी चिली गार्लिक और टमाटो को मिक्स करके। ये डालने के बाद जो स्पैगेटी थी वो बॉयल हो गई थी तो वो हमने इसमें ऐड कर दी। मिक्स करने के बाद ये रेडी हो गई है। तो आज हमने दो दो रेसिपी बनाई थी, मैं दोनों आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, एक की स्पैगेटी की है और दूसरी रेसिपी रोल की है। और ये सारी चीज़ें बड़ी ही मज़े की बनी थी रमज़ान की, ये बहुत अच्छी बात है, इसमें आपको बहुत मज़े मज़े के खाने मिल देखने को नहीं खाने को भी मिलते हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है और हम अल्लाह के भी बहुत करीब होते हैं इसलिए मेरा फेवरेट मंथ। तो वो रेसिपी थी मम्मा की, ये रेसिपी शुरू हो रही है आप ही की। इसमें चिकन बॉयल होने के लिए रख दिया और ये तीन सब्जियां हैं आप लोगों को दिख ही रही होंगी और यहाँ पर मैं जो चिकन को वो कर रही थी कुंडी डंडे में डाल के पीस रही थी। यहाँ पर लहसुन का मैं आप लोगों को पेस्ट दिखा रही थी जो बनाने वक्त यूज़ होगा, तो यहाँ पर ऑयल ले लेना थोड़ा सा। फिर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डालना, अदरक लहसुन नहीं सिर्फ लहसुन का पेस्ट डालना है अदरक का नहीं। तो ये ऐड करने के बाद इसको हमने मिक्स कर देना है, थोड़ा सा फ्राई करना है। और ये रेसिपी है रोल की, मैं बताना भूल गई शुरू में, हम रोल बना रहे हैं। यहाँ मेरे मोबाइल पर मुझे ज़्यादातर वॉइस ओवर करना पड़ता है क्योंकि अगर मैं बोलती हूँ ना तो आवाज़ ज़्यादा सही नहीं आती है जिसकी वजह से सबको आवाज़ फुल करके भी प्रॉपर नहीं सुनाई देती, इसलिए फिर मैं वॉइस ओवर करती हूँ। तो यहाँ पर ज़ीरा आप ही ने अभी ऐड किया है, ज़ीरा ऐड करने के बाद इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड करना शुरू कर देंगे, सबसे पहले शिमला मिर्च ऐड की, फिर हम इसमें बंद गोभी भी आहिस्ता आहिस्ता ऐड कर देंगे, फिर गाजर भी ऐड कर देंगे, सारी सब्जियां इसमें ऐड कर देंगे। सब्जियों को ऐड करने के बाद इनको फ्राई कर लेना अच्छे से, फ्राई करने के बाद फिर इसमें स्पाइसेस ऐड होंगी अभी और इसके अलावा सॉस भी इसमें ऐड होगी क्योंकि वो बहुत ही मज़े का टेस्ट देती है और ये भी इतने मज़े की बनी। अब जब भी कोई चीज़ बनाए ना तो वो हेल्दी बनाया करें, सब्जियां उसमें ऐड करें और ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं सब्जियां, इसलिए हमारे घर में चिकन का कुछ बनेगा उसमें सब्जी ऐड होगी, आलू का कुछ बनेगा उसमें ये तीन सब्जियाँ तो कॉमनली ऐड होती ही होती हैं। इसके अलावा अनियन भी ऐड हो जाता है और ग्रीन प्याज भी अच्छा लगता है। तो सब्जियां तो बहुत ज़्यादा मतलब कॉमनली हमारे घर में खाई जाती है और ये जो मैंने कुंडी डंडे में डाल के पीसा था चिकन वो भी हमने इसमें मिक्स कर दिया। अब इसके बाद हम इसमें नमक मसाले डालेंगे, जो जितने भी मसाले मसाले होते हैं ना वो सारे हम इसमें ऐड करेंगे। सबसे पहले हमने चिली सॉस डाली, सोया सॉस डाली और नहीं सबसे पहले विनीगर डाला, चिली सॉस और सोया सॉस मतलब तीनों सॉसेज हमने ऐड की। ये ऐड करने के बाद इनको मिक्स कर देना अच्छे तरीके से, मिक्स करने के बाद फिर इसी में ये ना पक जाती हैं सब्जियां, थोड़ी बहुत पकानी होती है। इसमें मटर तो ऐड हुए नहीं थे, मटर इतने अच्छे भी नहीं लगते। अब इसमें हमने ऐड किया नमक, फिर उसके बाद चिली फ्लेक्स, फिर इसके बाद हमने ऐड की है चाइनीज़ सॉल्ट, चाइनीज़ सॉल्ट बहुत अच्छा लगता है इसमें क्योंकि चाइनीज़ टच देना होता है ना थोड़ा सा, और ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है। अब हमने जो स्पाइसेस है ना तीन, ये कॉमन होती हैं और तीन सॉस बस यही डलती हैं और चाइनीज़ बन जाता है, चाइनीज़ का थोड़ा सा टच आता है उसमें। तो अब इसमें हम मायोनीज़ भी ऐड करेंगे, वो भी बहुत अच्छा टेस्ट देती है। आप लोग केचप भी ऐड कर सकते हैं, आप मायोनीज़ ऐड कर ले, मायोनीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है। अब इसके बाद आप ही सारा बना रही थी, मैं तो सिर्फ वीडियो बना रही थी, ये देख सकते हैं तरीका वो दिखा रही है तरीका सा। और जब मैं यहाँ पर वीडियो बना रही थी तो आप ही मुझे
रही थी तो मैं ऐसे आ जाती हूँ जैसे शादियों में कैमरामैन खाना खाने वक्त नहीं ऊपर कैमरा ले आता, उस तरह तुम कैमरा पकड़ के अपना आ जाती है, जोक मारा था वैसे उसने। लेकिन मैं साथ हेल्प भी करवा रही थी, यहाँ पर ये मैदा मिक्स किया हुआ था मतलब रोल बनाने के लिए, और ये जो मैंने उस दिन रेसिपी शेयर की थी वो है, और साथ में समोसा पट्टी लेके गई थी इनके पास। तो हम सब ने ना काम बांटे होते हैं, तो यहाँ पर मम्मा फ्रूट चाट बना रही थी और मम्मा फरमाइश कर रही थी ब्लू पोनी चाहिए, मम्मा को रेड नहीं चाहिए, तो मैं ब्लू पोनी लेके मम्मा के पास जा रही थी क्योंकि मम्मा फ्रूट चाट बना रही थी, आपी रोल बना रही थी, स्पेगेटी मम्मा और एक दूसरी आपी ने बनाई, फिर मैं भी कुछ ना कुछ हाथ मार ही लेती हूँ बीच, और ये मम्मा मुझे साथ साथ ना मतलब चीज़ रख के आना लेके आना फ्रिज से, और बार बार ये करना ये भी एक काम होता है, ये मैं ही कर रही होती हूँ और बंदा थक जाता है। यहाँ पर फिर पापा फ्रूट्स लेके आते तो वो टोकरियों में डालना, ये भी बहुत मेहनत का काम होता है, बंदा पूरा दिन थक जाता है रोज़ा रख के करके। तो मेरा बीच में ये काम होता है, फ्रिज में सब्जियाँ रखा हो, ये ले आओ वो ले आओ, ये आप ही को दे दो, ये आप ही से ले आओ, ऐसे होता रहता है। बस ये आप ही को मैं फ्रूट चाट देने जा रही थी अब मिक्स करने के। बर्तन जो है यहाँ पर लग चुके, अब हम किचन में चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पर पॉकेट्स बन चुके हैं जो उस दिन फ्रीज की थी। तो यहाँ पर आप ही की दोस्त के घर से चिकन पुलाव इसके रहते वो आया था, और ये है मम्मा की बनाई हुई स्पेगेटी। मैं आई हूँ रोल फ्राई करने के लिए, तो आपी ने यहाँ पर इतने ज़्यादा रोल बना दिए, मैंने फ्राई करने में है ना, मैं फ्राई करूँगी बस, अफ्तारी का टाइम होने लगा, फिर अफ्तारी आप लोग को प्रॉपर लगा के फिर दिखाती हूँ। बस हम ये डालते हैं क्योंकि ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है प्रॉपर, और मैं अब आहिस्ता इसका ना सारे ये डालूँगी, जितने भी डालते हैं ना एक फूड में उतने डालूँगी। ये हम एंड टाइम पे फ्राई कर रहे थे, इसके बाद जो अफ्तारी है हमारी प्रॉपर रेडी हो चुकी थी। भाई ने बड़े सीक्वेंस के साथ प्यार के साथ रखे हैं, बाहर से समोसे आए थे और बाकी जो टूटे थे उनके पापड़ियाँ बन गई। ये सारी अफ्तारी है जो हमने लगा दी है। अफ्तारी जो है वो हमें पड़ोसियों की तरफ से भी आती रहती है, और आप ही के दोस्त के घर से तो रोज़ आती है, और मैंने अपने टीचर के घर भेजा था तो उनकी तरफ से भी अफ्तारी आई थी। और यहाँ पर अफ्तारी के बाद मैंने ये पान निकाला, मैंने सोचा आधा मैं खाती हूँ आधा मम्मा को खिलाती, लेकिन मम्मा का कोई मूड नहीं था, मम्मा कहती नहीं मैंने नहीं खाना, मैंने पहले ही बहुत कुछ खा लिया। तो यहाँ पर मैंने पान खोला और मैंने पकड़ा और आधा खाया पहले, फिर मैंने आधा खाया, और मुझे बड़ा ही मज़ा आया, मैंने काफ़ी दिनों बाद पान खाया था तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा, मैंने बहुत ही टेस्टी टेस्टी करके खा लिया। बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ, अभी मैंने पान खाया था जो आपकी ऑफिस से मिला था जब वो अफ्तारी पर गई थी, बाद में उसको मिला था खाने के बाद में, तो वो ले आई, वो नहीं खाती, मैं खाती हूँ घर में, मम्मा खाती हैं बस, तो मैंने अभी वो खाया, और बस मैं जाके अब लेटने लगी, मैं बहुत ज़्यादा थक गई, अभी हम स्कूटी चलाने गए थे तो अब मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ, अब मैं आऊँगी अगली वीडियो में, और जिस दिन फिर हम कभी स्कूटी चलाने गए तो मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगी। फिर अभी मैंने तला हुआ था मोबाइल, मुझे ला दे पर तला कुछ दिखता ही नहीं है, इधर ही चार्ज पर लगा था पर उसको दिखा ही नहीं मोबाइल, तो वो लेके नहीं आया, फिर हम जल्दी जल्दी चले गए। तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। लोग से मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।